डियर स्टूडेंट्स अवेरी वन वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माई टूडेज लेक्चर ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट के टॉपिक को स्टार्ट किया था और इसमें हमने रेंट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट और वेजेज ऑफ थ्योरी वेजिज थ्योरी ऑफ प्रॉफिट को प्रॉपरली डिस्कस किया था आज के लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूँगा अबाउट द थर्ड थ्योरी ऑफ प्रॉफिट एंड इट इज नोन एज द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ प्रॉफिट दिस थ्योरी वॉज प्रोपाउंडेड बाय प्रोफेसर मार्सल प्रोफेसर मार्सल ने इस थ्योरी को प्रोपाउंड किया था और क्या कहा इन्होंने अपनी इस थ्योरी में प्रॉफिट इज इक्वल टू द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ द एंडर द प्रोडक्टिविटी हायर द प्रोफिट हीट द मार्जिनल नेोडक्ट ऑफ एंड एंटीपिन्योर इज द एमाउंट विद द कम्युनिटी इज एबल टू प्रोड्यूस विद हिज हेल्प ओवर एंड अब वॉट इट कुड प्रोड्यूस विदाउट हिज हेल्प यानी कि मार्शल के अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट है वो एंटीप्रोर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के इक्वल होता है जितनी किसी भी एंटीप्र्योर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी उतना ही उसका प्रॉफिट भी ज्यादा होगा और जितनी प्रोडक्टिविटी कम होगी एंटीप्रन की प्रॉफिट भी उसके उतने ही कम होंगे इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि एंटीप्रनियोर की जो मार्जिनल नेट प्रोडक्ट है वो उस पर्टिकुलर अमाउंट के बराबर होती है जहां एक कम्युनिटी प्रोड्यूस कर सकती है एक तो उसके हेल्प के साथ में और दूसरा उसके बिना हेल्प के तो बिना हेल्प के प्रोडक्शन किया जा रहा है पहला केस और एंटीपिनियोर की हेल्प से प्रोडक्शन को किया जा रहा है तो जब एंटरप्रेन्योर की हेल्प से प्रोडक्शन किया जा रहा है उस समय प्रोडक्शन ज़्यादा होता है इन कम्परिजन जब बिना उसकी हेल्प के प्रोडक्शन किया जा रहा है और जो ये डिफरेंस क्रिएट हुआ इसको हम उस एंटरप्रेन्योर के मार्जिनल नेट प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं और इस मार्जिनल नेट प्रोडक्ट की वजह से एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट को अर्न करता है और ये जो डिफरेंस है यानी कि जो एंटरप्रेन्योर का मार्जिनल नेट प्रोडक्ट है ये जितना ज़्यादा होता है एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट भी उतना ज्यादा होता है यह कहना था प्रोफेसर मार्सल का इन हिज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ प्रॉफिट में इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करें तो जो एंटरप्रेन्योर का रिवॉर्ड है वो उसकी मार्जिनल सोशल वर्थ के इक्वल होगा यानी कि अगर एंटरप्रेन्योर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी हायर है तो उसके प्रॉफिट भी हायर होंगे और अगर उसकी मार्जिनल नेट प्रोडक्टिविटी लोअर है तो उसके प्रॉफिट भी लोअर होंगे इस मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी को हम ग्राफ के हेल्प से प्रॉपरली और डिस्कस कर सकते हैं यहाँ मैंने इसके रिलेशन में एक प्रॉपर ग्राफ ड्रॉ किया है जहाँ मैंने एक्स एक्सेस पर एंटीपिनियोस की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया है और बाई एक्सेस पर इनके प्रॉफिट्स को रिप्रेजेंट किया है क्योंकि मैं यहां पर एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फॉर्म की बात कर रहा हूं तो इसके रेफरेंस में जो सप्लाई होगी वो क्या होगी इट विल बी कॉन्स्टेंट और पैनल टू एक्स एक्सेस यहां मैंने एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी कर्व को रिप्रेजेंट किया है जो एंटीप्रनियोर के रेफरेंस में ड्रॉप किया गया है इनिशियली मार्केट में जो पर्टिकुलर सप्लाई थी एंटीप्रीनियोर्स की वो ओ एम डैश के बराबर थी और उस ओ एम डैश के रेफरेंस में ठीक है जो सप्लाई थी वो एस डैस ई डैस के बराबर थी तो एस डैस ई डैस क्या है सप्लाई कर्व है इनिशियल लेवल पर शॉर्ट रन में ठीक है और इस एस डैस ई डैस ने इस MRP आर कर्व को E डैस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है तो E डैस शॉर्ट रन में इक्विलिब्रियम लेवल था ये इक्विलिब्रियम पॉइंट को डिटरमाइन करेगा और इसके अकॉर्डिंग जो पर्टिकुलर एंटीपिनियोस सप्लाई है मार्केट में वो ओ डैश के बराबर होगी इस तरीके से जो फॉर्म्स हैं वो क्या कर रही होंगी वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को अर्न कर रही होंगी लेकिन जब लॉन्ग रन की बात आएगी तो लॉन्ग रन में हमें नया सप्लाई कर्व मिलता है एंड दिस सप्लाई कर्व इज इक्वल टू एस एस और ये जो सप्लाई कर्व एस एस है ये एम आर पी कर्व को ई पॉइंट पर डिचे कर रहा है तो ई e हो गया इक्विलिब्रियम पॉइंट और इसके अकॉर्डिंग मार्केट में अब जो नए न्यू नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योर्स है वो कितने हो गए ओ एम हो गए और ये जो ओ एम एंटीप्रीन्योअर्स है वो ई एम प्रोफिट को जनरेट कर रहे हैं और ये ई एम बराबर होगा ओ एस प्रोफिट के बराबर होगा तो इस तरीके से लॉन्ग रन में जो नंबर ऑफ एंटरप्रोर्स हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं और जो सारी फॉर्मस हैं जितने भी एंटरप्रीन्योर्स हैं दे आर अर्निंग ओनली द नॉर्मल प्रॉफिट तो शॉर्ट रन में तो ये शॉर्ट रन प्रॉफिट को अर्न कर लेते हैं ठीक है लेकिन लॉन्ग रन में क्या होता है जितने भी एंट्रप्रीन्योअर्स हैं दे मेक

नोट भी कर सकते हैं अपने नोट्स में ठीक है तो इस तरीके से ये जो है है डिफाइन करती है कि परफेक्ट कंपटीशन की कंडीशन में जितनी भी फॉर्म्स हैं जितने भी एंटीपीनियो हैं वो लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट को अर्न करते हैं और ये नॉर्मल प्रॉफिट किसके बराबर होता है इट इज इक्वल टू ई एम और ओ एस एज पर द डायग्राम ओके नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट फोर्थ थ्योरी डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट इस प्रॉफिट की थ्योरी को हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे द फर्स्ट वन इज द नो प्रॉफिट इन स्टेशनरी स्टेट और दूसरा पार्ट है इसके अंदर प्रॉफिट अराइजेज ओनली इन डायनेमिक कंडीशन और डायनेमिक वर्ल्ड तो पहले इसके पॉइंट की बात करते हैं नो प्रॉफिट इन स्टेशनरी स्टेट तो डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट अपने इस पर्टिकुलर पार्ट में ये स्टेट करती है कि स्टेशनरी स्टेट में कोई भी प्रॉफिट अर्न नहीं किया जा सकता दिस थ्योरी इज एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ द अमेरिकन इकोनॉमिस्ट जेबी क्लार्क एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे फेमस अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे जेबी क्लार्क इन्होंने इस पर्टिकुलर थ्योरी को प्रोपाउंड किया और क्या कहा इन्होंने इन अ स्टैटिक वर्ल्ड वेयर द साइज ऑफ पॉपुलेशन द अमाउंट ऑफ कैपिटल द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बॉन्ड्स एंड मेथड ऑफ प्रोडक्शन टेक्निकल प्रोडक्शन या टेक्निकल नॉलेज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस एंड सो ऑन रिमेन्स द सेम प्रॉफिट्स टैन टू डिस अंडर द फेस फोर्स ऑफ कॉम्पिटिशन यानी कि इन्होंने कहा कि जब हम स्टैटिक वर्ल्ड की बात करते हैं जहाँ पॉपुलेशन का साइज की बात करें चाहे हम अमाउंट ऑफ कैपिटल क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ ह्यूमन वर्नस की बात करें मैथड ऑफ प्रोडक्शन की बात करें टेक्निकल नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस की बात करें यह सब कह रहे हैं दे ऑल रिमेन द सेम और जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे जो प्रॉफिट है वो डिस एपियर होता चला जाता है और एक टाइम के बाद इन पर्टिकुलर स्टैटिक वर्ल्ड में कोई भी प्रॉफिट अर्न नहीं किया जा सकता क्योंकि जब हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो हम इसको डिटर्मिन करते हैं विद द हेल्प ऑफ द डिफरेंस बिट्वीन सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट सेलिंग प्राइस और कॉस्ट के डिफरेंस को हम प्रॉफिट का नाम देते हैं यानी कि कॉस्ट के ऊपर जितना भी सरप्लस अवेलेबल होता है इस सरप्लस को हम प्रॉफिट का नाम देते हैं लेकिन अगर फ्रिक्शन लेस वे में कॉम्पिटिशन बढ़ता चला जाता है तो जो ये सरप्लस है वो लगातार कम होता चला जाता है और एक टाइम के बाद ये सरप्लस बिल्कुल ही खत्म हो जाता है जब कभी भी सरप्लस की अवेलेबिलिटी होती हुई है तो उसकी वजह से प्रोडक्शन इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है और इस प्रोडक्शन के इंक्रीज होने की वजह से प्राइजेस लगातार कम होते चले जाते हैं और इस प्राइस के कम होने की वजह से जो सरप्लस है वो लगातार डिसएपी होता चले जाता है इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं स्टैटिक स्टेट की बात करता हूं देन इन स्टेट न बी नो प्रोफिट बी ऑन बेजिस फॉर द रूटीन वर्क ऑफ सुपरविजन यानी कि अगर स्टेटिक सिचुएशन की बात की जाती है तो हर फैक्टर केवल केवल उतना ही सिक्योर करता है जितना ये प्रोड्यूस करता है जितना इसने प्रोडक्शन करा उतने का दाम इसको मिल जाता है उससे ऊपर नहीं मिलता ऐसे यानी कि जो सेलिंग प्राइस है और जो कॉस्ट है वो इक्वल हो जाती है यानी कि मैंने अगर एंटरप्रीनियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने वर्क को फॉलो किया तो मैंने केवल और केवल उतना ही ऑप्टेन किया जितना मैंने प्रोड्यूस किया उससे ज्यादा मैंने ऑप्टेन ही नहीं किया इसका मतलब जो सेलिंग प्राइस है और जो कॉस्ट है वो क्या हो गए इक्वल हो गए जिस कॉस्ट पर मैंने प्रोडक्शन किया वही में उसको वापस मिल गया सेल करने के बाद उतना ही सेलिंग प्राइस मुझे मिल गया वापस में तो इसका मतलब मैंने कोई भी प्रॉफिट अर्न नहीं किया कि केवल केवल जो जो रूटीन वर्क ऑफ सुपरविजन है उसके रिगार्डिंग जो भी वेजेस वेजेस मेरे बनते हैं वो मुझे मिल जाते हैं उसके अलावा मेरा कोई भी प्रॉफिट जनरेट नहीं होता है जब मैं स्टैटिक सिचुएशन की बात करता हूं क्योंकि जब हम स्टेशनरी स्टेट की बात करते हैं तो स्टेशनरी स्टेट में ईच एंड एवरीथिंग इज नोन या फिर नोएबल या तो आप जितने भी पर्सन अवेलेबल हैं उन सबको हर पर्टिकुलर कंडीशन के बारे में पता होता है या वो उसके बारे में पता कर सकते हैं यहां ना तो कोई रिस्क होता है और ना ही कोई अनसर्टेनिटी होती है इसी वजह से कोई भी प्रॉफिट जेनरेट नहीं किया जाता है तो डायनेमिक स्टेट में या स्टेशनरी स्टेट में किसी भी तरीके के प्रॉफिट को जनरेट नहीं किया जाता है यह कहना था जेबी क्लार्क का इसका मतलब प्रॉफिट को जनरेट कब किया जाता है तो इसके लिए इन्होंने सेकेंड एस्पेक्ट को प्रोवाइड किया इनका कहना है कि जो प्रॉफिट है इट अराइज इन डायनेमिक वर्ल्ड में अराइज होता है क्योंकि हम स्टेशनरी स्टेट में नहीं रह रहे हैं वी आर नॉट लिविंग इन अ स्टेशनरी स्टेट हम जिस पर्टिकुलर वर्ल्ड में रह रहे हैं वो एक डायनेमिक वर्ल्ड है और यहां पर लगातार चेंजेस Constant basis पर अकर होते ही रहते हैं लगातार चेंजेस हो रहे हैं और जो क्लेवर एंटरप्रेन्योर्स हैं वो इन चेंजेस को प्रॉपरली वॉच करते रहते हैं उन पर इनकी निगाहें रहती है कि किस तरीके से चेंजेस अकर हो रहे हैं इन द वर्ल्ड और जैसे ही ये चेंजेस अकर होते हैं ये इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखते हैं किसी भी तरीके से इन्वेंशन करते हुए या किसी और तरीके को फोकस करते हुए ये अपने प्रोडक्शन कॉस्ट को कम कर देते हैं ये ऐसी टेक्निक को इन्वेंट करते हैं इनका इनोवेशन करते हैं या इस तरीके से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को फोकस करते हैं जिस तरह से इसको कि किसी ना किसी तरीके से इसकी कॉस्ट को कम किया जा सके और जैसे ही ये कॉस्ट कम होती है इनका प्रॉफिट जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है तो ये किस वजह से हुआ डायनेमिक वर्ल्ड में चेंजिंग सिचुएशन की वजह से जो चेंजेस हुए उन चेंजेस को क्लेवर एंटरप्रेन्योर्स ने एनालाइज कर लिया उसके बेसिस पर उन्होंने इन्वेंशंस किए या प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम करने के इन्होंने उपाय किए और उसके बेसिस पर प्रोडक्शन की कॉस्ट को कम करा और अपने प्रॉफिट को जनरेट करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि जब हम चेंजिंग वर्ल्ड की बात करते हैं तो ये लिमिटलेस अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोवाइड करता है और अगर आपके अंदर फार एक्साइटेडनेस है एक डेयरिंग और क्लेवर है आपके अंदर तो उसके बेसिस पर आप इन लिमिटलेस अपॉर्चुनिटीज को प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर पाते हो और इसके बेसिस पर अपने प्रॉफिट को जनरेट करते हो क्योंकि इन पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटीज को आप अपने फेवर में टर्न कर लेते हो और उसके बेसिस पर इस तरीके से प्रोडक्शन को पॉसिबल करते हो या तो आप अपने प्रोडक्ट के प्राइजेस को हायर करने की पोजिशन में आ जाते हो इन अपॉर्चुनिटीज की वजह से या फिर अपने प्रोडक्शन कॉस्ट को आप लोअर डाउन कर लेते हो और उस बेसिस पर आप प्रॉफिट को जनरेट करना स्टार्ट कर देते हो केवल के और केवल इसी वजह से क्योंकि ये क्या है एक डायनेमिक है और यहां लगातार चेंजेस होते रहते हैं और उसके बेसिस पर आप लीड कर सकते हो और प्रॉफिट को रीप भी कर सकते हो प्रॉफिट को जनरेट भी कर सकते हो इसका मतलब जो ये थ्योरी है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट अराइज होता है इट अराइजेज आउट ऑफ द चेंजेस क्योंकि स्टैटिक वर्ड में कोई भी चेंज नहीं होता है इसी वजह से कोई भी प्रॉफिट जनरेट नहीं किया सकता अगर कोई भी हम इकोनॉमी की बात करेंगे जहां चेंजेस नहीं होते हैं वहां किसी भी प्रॉफिट को अर्न नहीं किया सकता केवल ओ केवल डायनेमिक वर्ल्ड में या डायनेमिक सिचुएशन में ही प्रॉफिट को अराइज किया जाता है यह कहना है इस पर्टिकुलर थ्योरी का ओके रेस्ट ऑफ द थ्योरी इज वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर ओके थैंक यू